जानते हैं शरीर में इन तीन चीजों से होती हैं नसें ब्लॉक, बंद नसों को खोलकर नसों में जान डाल देगा ये तरीका। अगर कोई नस दब जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी इंसान की याददाश्त कमजोर हो चुकी है, वो चीजों को रखकर भूल जाता है, उसे कोई भी चीज बहुत लेट याद होती है, इसका मतलब है उस इंसान की नर्व्स कमजोर हो चुकी हैं या फिर दब चुकी हैं। दूसरा, चक्कर आना एक ऐसा संकेत है जो नसों की कमजोरी को दर्शाता है। साथ ही खून जब हमारे शरीर में सही से नहीं चलता तो हमारी आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है। तीसरा, नींद कम आना। कारण क्या होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के? तो इसमें हमारे शरीर में तीन तत्वों की कमी हो जाती है जिसके कारण ये होते हैं। तो वो है विटामिन B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो विटामिन B12 का काम है नसों को सुचारू रूप से चलाना। गाजर, पालक, केला, दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें हैं, मशरूम, ड्राई फ्रूट्स में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन आप इसे रोजाना लीजिए क्योंकि ये शरीर से बाहर होता है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, इसलिए हमारा शरीर इसे इकट्ठा करके नहीं रख सकता। पोटेशियम की कमी के लिए तरबूज, चुकंदर, नारियल पानी, केला, सूरजमुखी के बीजों का सेवन करें। 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 3 चम्मच एलोवेरा जूस, 3 चम्मच किलोए का जूस मिक्स करके पीना है। अगर हमारे शरीर में वात या पित्त बढ़ जाता है तब भी नसों में सूजन आ जाती है, इसलिए एलोवेरा और किलोए का जूस पीना अच्छा होगा। जिनको जोड़ों में दर्द रहता है वो लोग भी इसको जरूर लें। तीसरी चीज है शिलाजीत का प्रयोग। शिलाजीत खाने से नसों की कमजोरी और नसों की सभी समस्याएं दूर होती हैं और ये नसों को मजबूती देता है, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। आप माचिस की एक तीली ले लीजिए, उसे 4 भाग में बांट लें। एक हिस्से पर जितना शिलाजीत चढ़े उसको गुनगुने पानी में मिक्स करके ले लीजिए। इसे खाली पेट लेना है लेकिन सुबह के समय ना लें। इसके साथ ही किन बातों का ध्यान रखना है? आपने खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, नमक और मीठा बहुत ही कम खाना है, ऑयली फूड का सेवन कम करना है, डीप फ्राइड चीजें, जंक फूड इनका सेवन ना करें, एनिमल प्रोटीन और अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। और किन चीजों का सेवन करना है? हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाएं। कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ओमेगा 3 वाली चीजें जरूर खाएं, बादाम, अलसी, अखरोट आदि में ओमेगा 3 बहुत होता है। गर्मियों में आपने बादाम, अखरोट, अलसी का सेवन पानी में भिगोकर करना है। ज्यादा मात्रा में पानी पिएं क्योंकि फाइबर को पचाने के लिए शरीर में पानी पूरा होना जरूरी है। आपने रोजाना के आहार में किशमिश का सेवन जरूर करना है। नसों के ब्लॉकेज को खोलने के लिए और ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए किशमिश रोजाना खाना बहुत फायदेमंद है। लहसुन का प्रयोग करना है। अगर हमारे शरीर में कमजोरी या थकान हो जाती है तो उसका कारण है कि हमारे शरीर में खून का प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा या ब्लड वेसल्स के अंदर खून के क्लॉट्स जम चुके हैं। अगर आप रोजाना 2 कली लहसुन की खाते हैं तो इससे ना केवल ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है बल्कि नसें ब्लॉक नहीं होती, हाई BP, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियां नहीं होती। कच्चे टमाटर का उपयोग करना है। रोजाना के आहार में कच्चा टमाटर जरूर खाएं। जिनको पथरी की समस्या है उन्हें कच्चा टमाटर नहीं खाना है। कद्दू के बीज कल रोजाना 1 चम्मच कद्दू के बीज जरूर खाएं। इसके बहुत फायदे हैं। आप इसका पाउडर भी बनाकर खा सकते हैं, पानी में या दूध में मिक्स करके भी खा सकते हैं। जो लोग व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, उनको अपनी मसल बनाने के लिए, मसल की ऐंठन आदि को दूर करने के लिए रोजाना अपने आहार में 1 चम्मच कद्दू के बीज शामिल करने चाहिए। ये हमारे दिमाग को मजबूती देता है, नसों को मजबूती देता है। अनार का सेवन, अनार के अंदर नाइट्रेट और पॉलीफिनॉल होता है जो कि नसों को मजबूती देता है, शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। और एक बात का ध्यान रखें, आपने दिन में कम से कम 30 मिनट व ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे की सैर जरूर करनी है। ये बहुत फायदेमंद है ब्लड की सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी नसों की समस्याओं को ठीक करने के बारे में। आई होप आपके लिए ये इंफॉर्मेशन लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।